एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो 1:32 हो रहा है और अभी जो है मैंने चनों को तड़का लगाया है। अभी मुझे सलाद काटना है। सलाद, मैं सलाद बोलती हूँ, पता नहीं क्यों। सलाद होता है, सह होता है, शह नहीं होता है। तो सलाद काटूंगी अभी और रायता देखती हूँ बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। विपिन आएंगे अभी लंच करने के लिए और अभी चावल भी छौंकने हैं, चावल भिगा कर आई हूँ। चने देखने में एक नंबर लग रहे हैं। अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप लोग भी बोलेंगे अरे वाह क्या चने लग रहे हैं। काले चने जो होते हैं वो कल मुझे दिख गए, थोड़े से बचे हुए रखे हैं। माता की अष्टमी की थी ना, उनके बचे हुए थे तो मैंने वो भिगो दिए। मैंने कहा चलो चने बना लेंगे, चने चावल। मुझे चने चावल, छोले चावल, राजमा चावल या राजमा उड़द, जो मामोट होती है, मखनी दाल होती है, वो मुझे इतनी पसंद नहीं है। मुझे बारीक दालें ज़्यादा पसंद हैं, खा लेती हूँ लेकिन इतनी पसंद नहीं है कि जैसे होती है ना कुछ लोगों को कि भाई छोले चावल, राजमा चावल, वो वाली नहीं आती मेरे अंदर से चीज़ें। तो अभी जो है इस चादर को ना ठीक नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैट्रेस प्रोटेक्टर कल वॉश हुआ था लेकिन मशीन लगी थी शाम को, तो शाम में तो कपड़े कहाँ सूखने, वो भी सर्दियों के जो दिन है वो ओस पड़ती है खूब रात में। तो अभी जाऊंगी ऊपर और फिर देखूंगी कि सूखा है कि नहीं सूखा है, फिर मैं इस पर मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाऊंगी, फिर इसको ठीक करूंगी। अभी ये ऐसे ही है सुबह से। तो मैंने ना कुकर गैस पे चढ़ा दिया है और चावल भी खाए हुए हो गया है जितना टाइम चाहिए होता है। तो बस अब मैं क्या करूंगी, फटाफट से चावल छौंक देती हूँ। कल भी दाल के साथ रोटी बनी थी तो आज हो ही नहीं सकता कि कोई चने के साथ रोटी खा ले। और चने के साथ रोटी शायद कुछ लोग खा भी लेते हो, चने के साथ तो चावल ही चाहिए। तो थोड़े से तो मैं ट्राई कर लूंगी, देखूंगी, क्योंकि चने देख के तो दिल कर रहा है। मैं आपको चने दिखाती हूँ, इतने गजब लग रहे हैं ना, क्या बताऊँ। चलो मैं लो चने देखो, ये देखो चने क्या लग रहे हैं। चने ना आप लोगों का भी मन कर गया होगा, जिन लोगों ने काफी टाइम पहले चने बनाए होंगे ना वो सोच रहे होंगे देख के कि चलो यार हम भी चने बनाते हैं। ये देखो क्या चने बने हैं, एकदम गजब, लजीज, टेस्टी, काले वाले। तो प्लेन ढक देती हूँ। इधर के साइड ये कुकर सारा पानी सूख गया, इसमें डालती हूँ तेल और चावल मैंने भिगा के रखे हुए हैं। पानी निकाल देती हूँ इसका, क्योंकि इसमें है थोड़ा सा पानी। ये भिगाने वाले ले आए, पहले ना मैं भिगा के नहीं बनाती थी, अब ये भिगाने वाले ले आए। आप लोग कह रहे होंगे मैं मिस्टर इंडिया बन गई, दिख नहीं रही हूँ, आवाज़ आ रही है, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मिस्टर इंडिया समझ लो। मेरे चावल तो इसमें मैं थोड़ा सा वहां से लेना पड़ेगा, यहाँ नहीं है, बस विपिन के आने से पहले बन जाए वरना फिर वो खा के नहीं जाएंगे, फिर वो बोलेंगे रहने दे नहीं बने तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। वो करते हैं मुझे, आप लोगों के पति भी करते हैं क्या मुझे बताना कमेंट करके। फिर वो बोलेंगे बस बस रहने दे रहने दे रहने दे, मैं भारी खा लूंगा भारी खा लूंगा। तो इसीलिए उनके आने से पहले रेडी हो जाएंगे ना, फिर वो खा के जाएंगे। आटा गया और मेरे ख्याल से तीसरी बार भी उसमें ऐसे ही आटा गया, क्योंकि कोई आया था और एकदम से मतलब उसी टाइम मैंने आटा मंगाया था कि आते हुए आटा ले आना, खाना बन रहा है लेकिन आटा कम है। तो तीसरी बार भी शायद ऐसे ही जल्दबाजी में डाला गया, शायद या दूसरी बार ऐसा हुआ या तीसरी बार, क्योंकि एक बार हुआ। तो इस बार मैंने कहा बस सबसे पहले ड्रम मांज रहा है आटे का और ये छन्नी वगैरह, क्योंकि एक बार तो चल जाता है, जैसे अभी मंजा और मेरा तो आटा भी वैसे ही 5 किलो में मंगाती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम चलो हमने ऐसे ही डाल लिया। लेकिन हर बार नहीं ऐसे चलता है कि हर बार ऐसे ही चावलों में करती हूँ मैं, जैसे अभी इस बार चावल का भी मंजा है, दिवाली की क्लीनिंग थी तो हर एक चीज तो साफ होनी होनी थी, वैसे भी होती रहती है, ऐसा नहीं है कि दिवाली टू दिवाली सफाइयां होती है, नहीं। अब जैसे अब की बार चावल का धो के चावल डाले थे तो अब मैं ऐसे करूंगी कि इस बार तो ऐसे ही डल जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब होगा ना तीसरी बार डालने से पहले वो वॉश होगा। Oh, oh, oh.
बूंदी का पैकेट ले आ, ले आ पक्का। हाँ पैसे तो दे दूँ पापा के, क्या लाएगा अपने लिए? अपने लिए तो पहले लेके आई हो, है क्या लाएगा अपने लिए मुझे पहले बता। जैसे कि आपको जो चॉकलेट का हाथ पिट जाएगा तो आधा आधा मैंने क्या दिया गुल्ले को बनने वाला सिक्के कितने सारे ₹10 की बूंदी का पैकेट आपको कितने रुपए चाहिए? ₹5 हाँ, ₹2 में तो बात ही नहीं बनेगी। हाँ, ₹2 नहीं बनेगी बात। नो देख ले कुछ बन जाए थोड़ा बहुत। ₹10 ही दे रहा, 10 और 10 20 होता है। 10 क्यों? आपको 5 रुपए वाली वो वेफर वाली चॉकलेट ही तो लानी होगी फिर। मैं चॉकलेट नहीं, सामने जाके देखूंगी। 10 ही दे दो, अगर कुछ पैसे बच गया ना आपको ला के दे दूंगा। नहीं 5 दे दो, 5 5 5 5 से ऊपर की चीज मत लेना, बोलना 5 रुपए में क्या क्या आता है, ठीक है? और 10 रुपए का बूंदी का पैकेट जो रायते में डालते हैं। और मेरे मंगलसूत्र के डिजाइन का आ रहा था कि रश्मि अपना मंगलसूत्र दिखाना, पास से डिजाइन दिखाना, तो इस तरीके का है, इस तरीके का है ये। और एनिवर्सरी पे ही आया था ये। अब मैं पहन लूंगी अपना ये वाला। अभी पापा आएंगे, पापा से लेना, मेरे से मत लो भाई पैसे। हो नीचे के काम हो चुके हैं, तो मैं अब जो है बाहर की साइड के काम देख लेती हूँ क्या क्या है। जैसे ही मैं ऊपर जा रही थी छत पे कपड़े वगैरह देखने के लिए, मुझे एकदम से स्टैंड दिखा जिसको सुबह से मैंने धूप में नहीं रखा, तो उसको धूप में रखा है अभी। और उसके बाद ऊपर जाऊँगी, दुकान भी ऐसी मेरी खुली पड़ी थी, पायदान वगैरह बाहर थे, तो वो भी मैं अंदर कर रही हूँ, पर्दे लगा दूँगी यहाँ के, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, 2:30 बजने वाला है और धूप तो बहुत तेज़ है, कड़ाके की धूप है। और अच्छा भी है अगर ऐसे ही रहा ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी जो है धूप में तो इतनी ठंड नहीं लगती, मतलब ठंड लगती ही नहीं है, धूप में तो गर्मी लगने लगती है बल्कि। तो अभी जो है मैं सारे कपड़े लेकर नीचे आ गई हूँ, और अभी तक तो मैंने धूप में बैठना भी शुरू नहीं किया, क्योंकि बैठती हूँ तो बहुत तेज़ लगती है, तो मैं इसलिए अभी बैठना शुरू नहीं किया है। तो सारे कपड़े ले आई हूँ, देखो कितने सारे कपड़े हैं। अभी जो है इनको मैं तय कर लेती हूँ यार, कपड़ों को तय करना ना बहुत बोरिंग काम है, और उनको जगह पर लगाना उससे भी बड़ा बोरिंग काम है। तो यहाँ पे जो है जब तक मैंने कपड़ों की तय लगाई, 10-5 मिनट बैठी होंगी, तभी विपिन आ गए हैं। तो जो है प्लेट्स लग चुकी हैं सभी के खाने की, तो आप लोग भी आ जाओ, आपकी भी लगा देते हैं प्लेट्स। तो चावल है, और ये है चने की दाल, मतलब चने काले चने, और रायता सलाद। तो ये देखिए चने, सच में यार मतलब मैं ना मोटी दालें खाती नहीं हूँ, लेकिन आज चनों को देख के, चनों की शक्ल देख के मेरा दिल हो गया कि हाँ मुझे खाना खाना है, वरना चने राजमा ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ। चुके हैं बच्चे, ट्यूशन चले गए हैं, और ये जो है ऑफिस चले गए हैं खाना खाते। ये तो रुके ही नहीं, घंटा भर भी नहीं रुके होंगे, बस जो है खाना खाया, गर्मी सी लग रही थी, नहाए और जो है चले गए अभी। और अब जो है मैं इस पे मैट्रेस प्रोटेक्टर डालूंगी। आज ही मुझसे किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि रश्मि ये मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने अमेजोन से लिया है, और वो वाला जो है उस बेड पे वो फ्लिपकार्ट से। और मैं ये बोलूंगी कि देखिए आपके घर में चाहे बच्चे छोटे हों या ना हो, मैट्रेस प्रोटेक्टर आपके गद्दों पे होना चाहिए। एक बार ही तो आता है, देखिए 900-1000 रुपये वैसे भी तो हम खर्च कर ही देते हैं, ये तो हमारे गद्दों का सवाल है, देखिए जो हम इतने महंगे लेते हैं और जिनको हमें काफ़ी सालों तक यूज़ करना होता है, और ये चीज़ें रोज़ नहीं ली जाती कि भैया आज इस पर कुछ खिंडा ना, ये धोए जाते गद्दे, तो इनके लिए मैट्रेस प्रोटेक्टर ज़रूर होना चाहिए। और हाँ मुझे एक बात और करनी थी आप लोगों से, मेरे पास परसों के वीडियो पर कमेंट है, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, उनका कमेंट मैंने डिलीट भी नहीं किया है ना उनको मैंने ब्लॉक किया है।
तो उनके कमेंट पे मुझे और कुछ बुरा नहीं लगा। उन्होंने जो अनपढ़ और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड की बात की वो मुझे बुरी लगी, कि मतलब गुड्डू चिप मतलब चिप्स का पैकेट रखा था जहाँ पर मैं भी चिप्स खा रही हूँ और तन्मय भी खा रहा है, गुड्डू ने भी खाया है, तो वहाँ पे मैंने तन्मय को सॉरी गुड्डू को मैंने बोला है भाई ये तुम बाहर फेंक के आओ। तो दो कमेंट्स थे ऐसे, जिन एक ने तो बोला था कि खाया वो तन्मय ने है तो तन्मय को फेंकना चाहिए। देखिए तन्मय अभी छोटा है, तन्मय को भी मैं चीज़ें बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि तन्मय को मैंने बड़ा लाड़ लड़ाया हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों बच्चे बराबर हैं। और दूसरी बात, जो एक था कमेंट उन्होंने बोला था अनएजुकेटेड और एजुकेटेड वाली बात, कि मतलब गुड्डू बोल रही है तन्मय को कि अच्छा नहीं किया है, और ये मैडम लगी पड़ी है मतलब मैं, कि ये अपना चिप्स के पैकेट के ऊपर बात कर रही है कि फेंकाओ, तो कि यही फ़र्क होता है एक पढ़ी लिखी माँ में और एक अनपढ़ माँ में। तो ठीक है मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और माँ अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, माँ अपने बच्चों का अच्छा बुरा जानती है। अरे वो छोड़ो, इंसान छोड़ो, जानवर ही क्यों ना हो, एक बच्चे को जो माँ होती है, कुत्ते बिल्ली ये भी अपने बच्चे का भला सोचते हैं। तो पता नहीं लोग इस तरह की बातें कैसे करते हैं, कहाँ से लाते मैं भी हैं। कमेंट पढ़ रही थी कि ये जो ये वाले मेरे कुशन है ये मैंने कहाँ से लिए हैं, लिंक दे दूँ? ये तो मार्केट से लिए हैं, सोफे के साथ आए हैं मार्केट से, मतलब जो सोफा लिया उसी के साथ आए हैं। तो मैं इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। मैंने आप लोगों को कपड़े भी दिखाए, कपड़े दिखाने के लिए बोला था, और अभी मुझे जाना है बाहर। अब पता नहीं दिखा पाऊंगी आज भी कि नहीं। और जबकि मैंने ना वो कपड़े भी उठा के नहीं रखे, इसी चक्कर में अगर मैं उठा के रख देती हूँ ना कोई चीज़, जैसे मार्केट से लाई आप लोगों को नहीं दिखा मतलब उठा के रख दिया, तो फिर मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा नहीं पाती हूँ। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मैं आप लोगों को वो ही नहीं कर पाती हूँ। तो देखो ना ये क्रीम लगा के ना चेहरा अच्छा तो जाता है, और देखो अभी तक मेहंदी नहीं लगी मेरे सर में, ऐसा कैसे रखा है वो पैकेट। अब आगे आगे ठंड हो जाएगी तो अच्छी है ये क्रीम ना, अच्छी लगती है। और कोई ऐसी क्रीम है जिसको मैं लगातार लगा रही हूँ, ये सबसे बड़ी बात है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई क्रीम मैंने 4 दिन तक भी लगातार लगाई, और ये पहली क्रीम है। इसकी तारीफ आप खुद मुझसे इतनी बार सुन चुके होंगे कि थक गए होंगे कि बस कर रश्मि इस क्रीम का गुणगान करना, लेकिन अच्छी लग रही है। तो इसीलिए कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तभी आप उसको बार बार तारीफ करते हो। तो अभी जो है मैं जाती हूँ घूम घुमैया करने तो बाहर। अभी जो है मैं बाहर जाने से पहले जो भी कुछ सामान है, जैसे कि जिनको अंदर रखना है मेरे को, तो मैंने सोचा कि मैं आने के बाद क्यों रखूँ, जाने से पहले ही रख देती हूँ। तो स्टैंड भी उनमें से एक है, और भी दो चार चीज़ें इधर पड़ी हुई थी वो रखी, और आपसे बात करने के तुरंत बाद मैं नहीं निकल रही हूँ, लगभग घंटा भर मैं रुकी हूँगी, रील्स वगैरह बनाई, एक दो कपड़े में टाका मारना था वो मारा, और अभी ये जब मैं चाय बना रही हूँ तो ये मैं होकर आ भी गई हूँ, मतलब मिल भी आई हूँ, बैठ भी आई हूँ, बातें भी कराई हूँ, और अब आकर बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैंने इनको फ़ोन किया आते ही, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ 15-20 मिनट में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बनाने रखते हैं, तो फिर मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, ये आते होंगे थोड़ी देर में, दोनों बैठ के चाय पियेंगे, तो चाय सीम आँच पे बनती रहेगी, मैं तब तक मैंने कहा बर्तन कर लेती हूँ। आज ना मैंने बर्तन दोपहर के खाने के बाद नहीं किए थे तुरंत, कभी कभी आता है ना आलस कि नहीं यार ज़िंदगी पड़ी है शाम को हो जाएंगे, तो वही मुझे हुआ कि मैंने कहा यार आफत थोड़ी आ रही है हो जाएंगे शाम को, तो फिर मैंने इसीलिए अब कर रही हूँ मैं ये, शाम क्या ये लगा लो कि अंधेरा हो चुका है तब मैं ये बर्तन कर रही हूँ। कई बार क्या होता है नहीं मुझे हाथों हाथ करने हैं, मैं सोच लेती हूँ शाम को भी मुझे करने हैं, अब भी मुझे करने हैं, तो क्यों ना मैं अब कर लूँ, शाम को फ्री रहूँगी, कई बार सोचती हूँ अरे छोड़ ना शाम को करूँगी, कहीं ना आफत आ रही, तो वही वाली चीज़ हुई थी आज मेरे साथ, आलस है जो भारी पड़ जाता है, तो वही हुआ। और अभी जो है ये लगभग मेरे बर्तन साफ़ हो भी चुके हैं, और कुछ तो साफ़ करते करते ऊपर से गिर रहे थे, तो मैंने कहा सारे गिरो सारे साफ़ करूँगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।